फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन फ्लेवर्स। आज मैं आपको म्योनी बनाना सिखाऊंगी। म्योनी हम बर्गर, पिज्ज़ा, सैंडविच में यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। म्योनी बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश क्रीम, शुगर पाउडर जिसे बूरा बोलते हैं, कुकिंग ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑलिव ऑयल, अनुसार नमक, राई का पाउडर, इसको मस्टर्ड पाउडर भी बोलते हैं, काली मिर्च का पाउडर, नींबू का रस। सबसे पहले हम फ्रेश क्रीम लेंगे, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। मैंने मलाई का इस्तेमाल किया है। फ्रेश मलाई को अब मैं ग्राइंड करूँगी। आप मिक्सी में या हाथ से भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ी देर ग्राइंड करने पर ही ये टाइट हो जाएगा। अब हमारी क्रीम अच्छे से फिट चुकी है, ये देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई है। इसमें मैं शुगर पाउडर डालूंगी, 2 चम्मच, 2 बड़ी चम्मच शुगर पाउडर लिया है मैंने। स्वाद अनुसार नमक डालूंगी मैं इसमें। राई का पाउडर हम डालेंगे, राई को हमने पीस लिया है। आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच राई ली थी हमने, और 1 चम्मच नींबू का रस। आप 1 चम्मच सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, इससे इसकी लाइफ और लॉन्ग हो जाती है। इसके बाद कुकिंग ऑयल डाल देंगे हम, 2 बड़े चम्मच। इसे अच्छे से मिलाएंगे चम्मच से। आप इस पेस्ट को अच्छे से मिलाने के बाद या तो मिक्सी में या फिर हैंड ब्लेंडर से ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए, ये काफी अच्छे से मिक्स हो चुका है। क्योंकि हमने इसमें लेमन डाला है, तो इसमें हल्का सा पानी छोड़ेगा ये। इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। जो वो पानी थोड़ा सा अलग निकलेगा, उसे आप साइड निकाल लीजिए। और हमारी म्योनी बिल्कुल तैयार है यूज़ करने के लिए। इसे आप 2 से 3 वीक्स फ्रिज में रखकर यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा में, बर्गर में, पराठे के साथ बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। आप इसके अंदर 1 चम्मच सॉस डालकर इसको व्हाइट सॉस बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।